जयपुर में इन दिनों अग्निवीरों की भर्ती चल रही है। इस भर्ती में जयपुर और सीकर जिले के अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांचने के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही है। इस बीच एक अभ्यर्थी फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर अग्निवीर बनने आ गया। सेना के अधिकारियों ने दस्तावेज संदिग्ध लगे तो उस युवक को एक तरफ बैठा दिया। दूसरे अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांचने के दौरान मौका पाकर पकड़ा गया अभ्यर्थी मौके से फरार हो गया। सेना के जवान पीछे दौड़े तो वो पहाड़ी पर चढ़कर जवानों की आंखों से उजल हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 3 घंटे बाद वो पहाड़ी पर चिल्लाता हुआ नजर आया। सेना और पुलिस को सूचना दी। कालवाड़ थाना प्रभारी पन्नालाल जांगीर मौके पर पहुंचे तो युवक को पहाड़ी के बीच में फंसा हुआ पाया। बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को नीचे उतारा गया। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि वो सेना के अधिकारियों से डर के कारण भाग गया था। सेना के जवान पीछे दौड़े तो वो डर कर पहाड़ी से पीछे वाले हिस्से के ऊपर चढ़ गया। दूसरी तरफ जहां पहाड़ी का कटाव था उधर से उतरने की कोशिश की। आधे रास्ते आने के बाद अचानक खाई नजर आई, ऐसे में वो उतर ही नहीं पाया। पत्थरों पर चलने से उसके पैर छिल गए थे। पुलिस ने हरिराम गुर्जर का प्राथमिक उपचार कराया। युवक के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होने के कारण उसे छोड़ दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।